गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल फिनोमिना हर वो एस्पेक्ट जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल फिनोमिना को रिलेट करता है हम उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ते हैं रेडोक्स रिएक्शन रेडोक्स रेडोक्स रिएक्शन क्या होती है जिसमें साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है यानी कि दोनों एक साथ होते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा आपको पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑक्सीडेशन की और भी कई डेफिनेशन है पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलते हैं हम कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है सेकेंड पार्ट क्या होता है रिडक्शन रिडक्शन क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड सब्सटेंस तो हम सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन का सिंपल एग्जाम्पल लेंगे जिंक कॉपर सल्फेट रिडॉक्स रिएक्शन इसमें हम क्या करते हैं एक बीकर ले लेंगे उस बीकर के अंदर एक रोड डिप कर देंगे रोड किस होगी जिंक की और सॉल्यूशन फिल कर देंगे सॉल्यूशन किसका होगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो जो जिंक है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है ये सब एक ही बीकर में हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिएक्शन की सीधा सीधा रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कुछ टाइम बाद इस सॉल्यूशन को जब हम रख के रखेंगे तो क्या होगा जो जिंक रोड है वो अपना वे वेट लूज़ करना स्टार्ट कर देगी कि उसका वेट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम्प यहाँ पर दिखाया है इसका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उससे क्या होगा कॉपर नीचे निकल के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे उसका रीज़न क्या है कि जो जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है जिंक रोड से जिंक सोलिड से जिंक टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है यानी कि एक्वर सोल्यूशन में चला गया है इसका क्या हो गया है ऑक्सीडेशन हो गया है यानी कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए अब जो ये दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं इसको गेन कौन करेगा जो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का उसमें कॉपर टू पॉजिटिव आयन है कॉपर टू पॉजिटिव आयन जिंक ने जो दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं उनको लेकर के सॉलिड कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में तो जिंक का इसमें ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का इसमें क्या होगा रिडक्शन अब इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और होगी कि ये जो सोल्यूशन है मान लो पहले इसका टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है तो हो सकता इसका 40 है इसका टेम्परेचर फोर्टी डिग्री या फिफ्टी डिग्री सेल्सियस हो जाए यानी कि ये क्या है एग्जोथर्मिक रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या है नेगेटिव यानी कि कुछ एनर्जी जनरेट हुई है जिसने सोल्यूशन को गर्म कर दिया है तो ओवरऑल इसमें रिएक्शन क्या होगी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस तो जिंक से जिंक टू पॉजिटिव हो गया ये ऑक्सीडेशन हो गया कॉपर से कॉपर कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर सॉलिड बन गया ये रिडक्शन हो गया और ये दोनों क्या हो रहे हैं समिल्टेनियसली एक ही बिक्र में हो रहे हैं डायरेक्ट हो रहे हैं तो इसको डायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन बोलते हैं और इसमें हीट क्या है प्रोड्यूस होती है डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है खुद ब खुद होगी अगर आप इसका रिवर्स करेंगे कि यहाँ पे आप कॉपर की रोड ले लेंगे ले 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 ले, इस जिंक रोड की जगह और यहाँ पे आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लेंगे ले ले, तो देखेंगे कुछ टाइम बाद उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती है एज सच पड़ा रहेगा आपका सोल्यूशन तो कॉपर रोड और जिंक सल्फेट सोल्यूशन क्या है स्पोन्टेनियस रिएक्शन नहीं है ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो जो रिएक्शन स्पोन्टेनियस है वो क्या होगी उसमें क्या है डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अब हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स और इसको वोल्टाइक सेल्स ये तीनों नाम है इसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स गैल्वेनिक सेल्स और वोल्टाइक सेल्स तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होती है वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस कर दे और किस रिएक्शन की जो खुद बघुद स्पॉन्टेनियस है जैसे ये रिएक्शन क्या थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी और मैंने बताया इसमें क्या है डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है ये क्या है केमिकल एनर्जी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है एक ऐसा सेटअप है जिसमें कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है केमिकल एनर्जी उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वोल्टाइक सेल्स या गैल्वेनिक सेल्स अब इसका सेटअप देखो क्या सेटअप होता है इसके लिए हम दो अलग अलग बीकर यूज करते हैं दो अलग अलग कंपार्टमेंट तो ये क्या है इनडायरेक्ट रेडोक्स रिएक्शन है तो हम क्या करते हैं एक बीकर में जिंक रोड लेंगे और उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ही डिप कर देंगे दूसरे कंपार्टमेंट में हम कॉपर रोड लेंगे और उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ही डिप कर देंगे हमने यहाँ पे इनकी कंसनट्रेशन क्या ली है वन मोलर वन मोलर दोनों की कंसनट्रेशन बीच में आपने लगाया है एक साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज का काम क्या है सर्किट को कंप्लीट करना है साल्ट ब्रिज में क्या होता है जिलेटनेस अगर होती है उसके अंदर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं उसमें वो आयन प्रोड्यूस करेगा और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसके एंड पे हम पोरस प्लग लगा देते हैं ताकि सॉल्यूशन सारा का सारा एकदम से बेकर में ना आ जाए अब इसमें होता क्या है जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है कॉपर के कंपेरिजन में तो क्या होगा रिएक्शन होगी ये वाली जिंक सॉलिड जिंक टू पॉजिटिव यानी कि जो रोड है जिंक की वो सोल्यूशन में जानी स्टार्ट हो जाएगी और जो कॉपर की रोड है उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि कॉपर एक्वस से कॉपर सोलिड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे कॉपर आएगा बेटा तो दो हाफ सेल हैं एक ये हाफ सेल दूसरा ये हाफ सेल एक ऑक्सीडेशन हाफ एक रिडक्शन हाफ तो जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो जिंक से क्या होगा जिंक की रोड से सोलिड अलग हो हो के सोल्यूशन में आ जाएगा और क्या बन जाएगा जिंक टू पॉजिटिव और दो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे अब जो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे ये आउटर सर्किट के थ्रू कैथोड की तरफ जाने लगेंगे हमने इसको ये वोल्टामीटर है यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया है ताकि जो भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें तो जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसको बोलेंगे एनोड एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है कोई भी सेल हो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है रिडक्शन किसका हो रहा है कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो कॉपर टू पॉजिटिव गेन कर लेंगे और कॉपर सल्फेट में कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि कॉपर सल्फेट से कॉपर बन जाएगा और जो कॉपर की रोड है उसका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा जो जिंक की रोड है उसका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा और डिजोल होने स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्या है जो कॉपर की रोड है वो और ज़्यादा हैवी होने लग जाएगी कॉपर उस पर डिपॉजिट होने लग जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं वो आउटर सर्किट से कैथोड की तरफ जाएंगे तो ये ध्यान रखने की वाली बात है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है नेगेटिव और कैथोड क्या होता है पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें रिवर्स होता है तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है एनोड होता है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है मान लो जिंक है तो जिंक से टू पॉजिटिव आयन रोड से सोल्यूशन में चले जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन सर्किट में चले जाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच है वो सर्किट तो एनोड क्या होगा हमेशा नेगेटिव और कैथोड क्या होगा पॉजिटिव अब एक तो ये प्रोसेस हो रहा है अब देखिए ये रोड यहाँ से डिजोल्व होके सोल्यूशन में आ गई यानी कि जिंक टू पॉजिटिव आयन बन रहे हैं मान लो पहले वन मोलर सोल्यूशन था हम ये कह है सकते हैं वन मोल जेडन टू पॉजिटिव थे वन मोल सल्फेट आयन थे लेकिन अब जब प्रोसेस स्टार्ट हो गया रिडक्शन प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो क्या होगा सोल्यूशन में और ज़्यादा जिंक पॉजिटिव आने स्टार्ट हो गए रोड ने डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर दिया तो जो जिंक पॉजिटिव है उसका कंसनट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया है सल्फेट आयन उतने ही हैं तो होगा क्या नेट कि एक सोल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव स्पेसिस जो है वो ज़्यादा बननी स्टार्ट हो रही है तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं देगा वो अपने पास रखेगा यानी कि कुछ टाइम के बाद सर्किट क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा तो आपका साल्ट ब्रिज क्या करता है मान लो ये जितने एक्सेस जेड एंड टू पॉजिटिव आयन्स बनते हैं उसमें से क्या यहाँ ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगी और नेगेटिव आयंस मान लो आपने यहाँ पे साइड ब्रिज ले लिया के सी एल तो यहाँ से क्या आ जाएगा सी एल इसके अंदर चला जाएगा तो ये जेड एंड सी एल नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके जेड एंड सी एल टू बना देगा यानी कि सिस्टम में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी लैपटॉप मोटिव फोर्स जनरेट नहीं होंगे और सर्किट क्या है इमिजिएटली बंद नहीं होगा दूसरी डायरेक्शन में क्या होगा यहाँ पे क्या है कॉपर डिपॉजिट हो रहा है यानी कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर टू पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहे हैं तो इस सोल्यूशन में क्या होगा मान लो वन मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था कॉपर भी इनिशियली इक्वल थे सल्फेट के लेकिन फिर टाइम के साथ साथ क्या हुआ कॉपर कम होना स्टार्ट हो गया कॉपर डिपॉजिट हो रहा है सॉलिड फॉर्म में तो सल्फेट आयन का जो कंसन्ट्रेशन है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया तो जब सल्फेट आयन का कंसनट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज सोल्यूशन में पहले से ही ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा एनोड से सर्किट बंद हो जाएगा तो फिर साल्ट ब्रिज यूज़ करेंगे उस सिचुएशन में साल्ट ब्रिज से क्या होगा पॉजिटिव आयन आ जाएंगे मान लो फॉर एक्जाम्पल के पॉजिटिव तो के टू एस ओ फोर बना देगा यानी कि इस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सर्किट कम्प्लीट रहे हमें करंट मिलता रहे इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं साल्ट ब्रिज यूज़ करने के बाद भी कुछ टाइम के बाद हमें करंट मिलना बंद हो जाएगा उसका रीज़न क्या है देखिए जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर बाहर आ रहा है कॉपर सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट हो रहा है ठीक है और सल्फ़ेट की जगह हम सल्फ़ेट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मान लो कि टू एस ओ फोर जनरेट हो रहा है तो रिएक्शन क्या है जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में कॉपर आयन कम होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं तो ये जो सॉल्यूशन है कॉपर आयन में कम रिच होता जा रहा है इसकी कंसन्ट्रेशन कम होती जा रही है जब कंसनट्रेशन कम हो जाएगी मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने को आएगी तो कॉपर बचेगा ही नहीं यानी कि कॉपर टू तो पॉजिटिव बचेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए साल्ट ब्रिज लगाने के बाद भी ये ख़त्म हो जाएंगे इनकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा आपकी सेल जो है वो काम करना बंद कर देती है यही तो होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं जो हम बैटरी वगैरह में सेल यूज़ करते हैं वो थोड़े टाइम के बाद काम करना क्यों बंद कर देते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से साल ब्रिज और परफेक्ट सेटअप होने की वजह से भी करंट नहीं फ्लो हो पाता तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बिल्कुल कम कॉपर आयन बचेंगे ही नहीं रिड्यूस होने के लिए तो सर्किट अपने आप बंद हो जाएगा अब हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती हैं वो डिवाइसेस जिनमें रिएक्शन को कराने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती हैं और फिर केमिकल एनर्जी जनरेट होती है इसका मतलब यहाँ पर क्या थी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यूज़ कर रहे थे हम तो इलेक्ट क्ट्रोलाइटिक तो सेल में क्या होता है ऐसी रिएक्शन जो खुद से नहीं होती जो नॉन स्पॉन्टेनियस है उसके लिए हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे फिर रिएक्शन होगी तो उसको क्या कहेंगे हम केमिकल एनर्जी कहेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपकी उसका सेटअप तो बिल्कुल सिंपल है आपको पता है एक बीकर लेते हैं हम उसमें हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं और फिर उसमें इलेक्ट्रोड डाल देते हैं दो एक होता है कैथोड एक होता है एनोड कैटाइन कैथोड की तरफ जाते हैं एन एनोड की तरफ जाते हैं और उसको हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल सर्किट से तो ये जो बड़े वाला साइन है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं छोटे वाले साइन को नेगेटिव इस तरह से हम बैटरी को शो करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंड तो जो पॉजिटिव एंड है उसको कैथोड से कनेक्ट करते हैं तभी जोरियानोड से कनेक्ट करते हैं तभी तो एनआइन एनोड पर जाएंगे अगर एनोड आपका पॉजिटिव होगा तभी तो एनाइन उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एनाइन एनोड पे जाएंगे तो एनोड क्या होता है पॉजिटिव और कैटाइन किस पे जाते हैं कैथोड पे कैथोड क्या होता है नेगेटिव तो आयंस का जो मूवमेंट है एनायन का एनोड की तरफ होता है कैटाइन का कैथोड की तरफ वो और वो कब होगा जब एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड नेगेटिव तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस है कि एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव होता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है दूसरा इसका पर्पज ही रिवर्स है ये क्या है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है इसमें रिएक्शन क्या होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसमें रिएक्शन क्या होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है इसके लिए जो सेटअप है उसमें हम दो कंपार्टमेंट यूज करते हैं इसमें हम सिर्फ एक ही कंपार्टमेंट यूज करते हैं तो ये कुछ डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड और फिर लिखते हैं कैथोड यानी कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है जैसे कि आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी देखा कैटाइन कैथोड पे जाएंगे कैथोड पे जाके क्या होगा कैटाइन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा तो ये क्या है रिडक्शन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है रिडक्शन तो कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन एनोड पर क्या जाएगा एनाइन एनाइन अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा यानी कि इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो कैथोड पे रिडक्शन होगा एनोड पे ऑक्सीडेशन चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो तो सेल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे फिर बीच में साल्ट ब्रिज और फिर रिडक्शन हाफ लिखने का तरीका क्या है ऑक्सीडेशन में क्या होता है मान लो मेटल है जिंक है फॉर एग्जाम्पल जिंक सॉलिड से वो सोल्यूशन में जा रही है जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बन रहा है और अब उसकी कुछ कंसनट्रेशन भी होगी जो सोल्यूशन है उसकी कुछ कंसेंट्रेशन होगी तो वो हम कंसनट्रेशन मार्क करेंगे और इसको एक स्लैश से डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों फेज को पर बीच में आप डबल लाइन से साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेंगे ये साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा फिर हम लिखेंगे रिडक्शन ऑफ रिडक्शन में क्या होता है मान लिया कॉपर टू पॉजिटिव आयन से हमने कॉपर सॉलिड बनाया है तो ये यहाँ पे क्या है कॉपर सॉल्यूशन उसकी कंसनट्रेशन लिखेंगे और फिर आपका जो बना है प्रोडक्ट कॉपर वो लिखेंगे तो पहले ऑक्सीडेशन ऑफ फिर रिडक्शन ऑफ और बीच में साल्ट ब्रिज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे

एजी पॉजिटिव प्लस कॉपर रिजल्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव प्लस सिल्वर तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अब इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सिल्वर का हो रहा है नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कैसे लिखेंगे कॉपर उससे क्या बन गया कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ पे कंसेंट्रेशन नहीं दी हुई तो आप कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते बीच में क्या शो करेंगे हम साल्ट ब्रिज ये साल्ट ब्रिज फिर हम क्या लिखते हैं रिडक्शन ऑफ रिडक्शन किसका हो रहा है सिल्वर का ए पॉजिटिव से ए जी तो ए जी पॉजिटिव एक्वा सोल्यूशन में फिर सॉलिड बन जाएगा तो ये हमारा हर सेल के लिए यही रिप्रेजेंटेशन होगा पहले ऑक्सीडेशन हाफ फिर साल्ट ब्रिज और फिर रिडक्शन हाफ इनफ फॉर टुडे बेटा थैंक यू